मध्य प्रदेश के हरदा में किसान बीमा राशि से वंचित है, जिससे गुस्साए किसानों ने तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपा। दरअसल लाखों रुपए का नुकसान होने से किसानों में आक्रोश है, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से 2 दिन में समस्या के समाधान करने की बात कही। साथ ही मांग पूरी ना होने पर आंदोलन कर तहसील का घेराव करने की भी चेतावनी दी। सभी किसान भाइयों ने मांग की है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और हम चाह रहे हैं कि शीघ्र अति शीघ्र, क्योंकि 2 दिन का ही समय बचा है, शीघ्र अति शीघ्र इस ज्ञापन का कार्रवाई करे, सरकार उस पर पोर्टल पर शो करे और बैंक से प्रीमियम कटे, अन्यथा हम सभी किसान, हंडिया क्षेत्र के किसान उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। बीमे के लिए, प्रीमियम के लिए आज हम तहसील में इकट्ठे हुए हैं। सर, कम से कम 250-300 किसान मिलकर आज तहसीलदार महोदय को अपने ज्ञापन दिया है। 28 तारीख 28/7/2022 को दिए हैं। 2 दिन के अंदर कुछ निराकरण नहीं हो पाता है तो पूरे किसान नाराज है, 300 किसान पूरे नाराज हैं। सबसे अधिक क्षतिपूर्ति किसान को होती है, किसान मैं जानता हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ। इसके अलावा हम जो प्रयास करें करेंगे आगे।